जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, सो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन। वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मजे में है, मस्ती में है। तो आज का वीडियो है छोटे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी देख सकते हैं अगर उन्हें मालूम नहीं है तो। दशमलव कैसे लगाएं? जी हाँ, यही है टॉपिक है आज के लिए। दशमलव, जिसको अंग्रेजी में डेसिमल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं हो? डेसिमल, डेसिमल बोलते हैं। हाउ टू यूज डेसिमल, कैसे यूज करें हम डेसिमल का। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को कि हम दशमलव मैथ में कैसे लगाते हैं, और उसके बाद एगो वीडियो लेकर आएंगे दशमलव कैसे हटाते हैं। ये दशमलव के चक्कर में बच्चा सब फंस जाता है कई एक बार, हटाने और लगाने में है कुछ नहीं। इसलिए श्रीकांत सर आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं, तो अब टेंशन और चिंता का कोई बात नहीं है। फिकिर को केरवानी में जाकर रख आइए, और चिंता को छत पर रख दीजिए, और उसके बाद पढ़ाई चालू कर दीजिए। दशमलव कैसे लगाएं, हाउ टू यूज डेसिमल, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। आज के लिए यही टॉपिक है। तो लीजिए 11 बटा 2, हमारे पास एक संख्या है 11 बटा 2, यह एक परिमेय संख्या है। इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। अंग्रेजी में कौन नंबर बोलते हैं हो? रेशनल नंबर बोलते हैं। अब 11 बटा 2 में दशमलव का यूज करना है तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, 2 से 11 में भाग दे दीजिए, यानी हर से अंश में क्या करिए, भाग दे दीजिए, खुद दशमलव आपको मिल जाएगा। तो चलिए 2 से 11 में भाग देते हैं। तो 2 × 5 = 10 लगाइएगा, 2 × 5 = 10 लगाइएगा। 11 में से 10 घटाइएगा तो कथी पाइएगा? 1 पाइएगा। अब 1 पाइएगा, कहिएगा 10 है सर यहाँ। 11 में से 10 घटाइएगा, 1 पाइएगा। अब 2 से 1 में तो लगेगा नहीं, तो यहाँ भागफल पर दशमलव देकर इस पर एगो 0 रखा जाता है। अब समझ में आया? तो 2 × 5 = 10, 10 में से 10, बस कहानी खत्म हो गया। इस तरह से आपका 5.5, ऐसे समझिए ना कि 11 लाख रुपया है, और 2 आदमी बांटेगा तो हिस्सा कितना होगा? 5.5 लाख। देखिए पैसा के बात आता है ना तो दशमलवों समझ में तुरंत आ जाता है, आ इसे दशमलव से डर लगता है, आ हिस्सा के बात आता है तो कहला कहते हैं सबसे पहले हमारे इतना हिस्सा हुआ लाइए ना। तो चलिए वही बात है, 11/2 का मतलब 11 लाख रुपया है, 2 आदमी बांटेगा तो 5.5 लाख रुपया हिस्सा होगा, तो उसी को 5.5 लाख को बोलते हैं 5.5, 5.5। तो इस तरह से 2 से 11 में हमने भाग दे दिया तो हमें 5.5 मिल गया। अगला है 7/10, ठीक है, 7/10 में दशमलव यूज करना है, तो वही बात करेंगे हम लोग। कौन बात करेंगे? 10 से 7 में भाग देंगे, तब 10 से 7 में तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ एक दशमलव देकर इस पे एक 0 लाएंगे, यही रूल है। अभी 70 हो गया तो 10 × 7 = 70 कट गया, 70 में 70 घट गया 0, इस तरह से आपको आ गया 0.7। आप पॉइंट के पहले एक 0 भी दे सकते हैं तो 0.7। ऐसे एक ट्रिक याद रखिएगा कि अगर 10 से भाग देना है तो एक अंक गिन कर दशमलव बैठा दीजिए। अगर किसी भी स्थिति में आपको 10 से भाग देना है, समझ रहे हैं ना, 10 से, जैसे मान लीजिए 31 में 10 से भाग देना है तो भाग देने मत जाइए, एक अंक गिन के दशमलव बैठा दीजिए दाहिना तरफ से, यानी कि 3.1, यह आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको 715 में 10 से भाग देना है तो एक अंक गिन के दाहिना तरफ से दशमलव बैठा देना है तो 71.5, ठीक है। अब कहिएगा 100 से भाग देना है तो क्या करेंगे सर? तो 2 अंक गिन के दहिना तरफ से दशमलव बैठा दीजिए। 1000 से भाग देना है तो क्या करेंगे सर? दहिना तरफ से 3 अंक गिन के दशमलव बैठा दीजिए। 10000 से भाग देना है, 1 लाख से भाग देना है, 0 वाला भाग बड़ा आसान होता है, डरिएगा नहीं। चलिए आइए उदाहरण नंबर 3 लाए हैं आपके लिए।
317 बटा 100 यहाँ दशमलव का प्रयोग करना है। तो हम 100 से 317 में भाग देते हैं तो 100 तियाई 300 लगेगा। अब 317 में 300 घटेगा तो 17 आएगा। अब 17 जो है 17 में तो 100 से भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक दशमलव देकर इस पर 0 लाकर इसको बढ़ाएंगे तो अभी 170 हो गया। तो 100 से एक बार में 100 लग जाएगा और 170 में से 100 घट जाएगा तो 170 में से 100 घटेगा तो 70 आएगा। ठीक है, 70 आ जाएगा। अब एक बार जब दशमलव दे चुके हैं तो एगो जीरो का हम लोगों को परमिशन मिल जाता है, जितना बार यूज कर सकते हैं। अभी 700 है और 100 से भाग लगाना है तो सिंपल 100 × 7 = 700, इस तरह से 700 में 700 कट घट गया तो आपको कितना मिल गया, आपको 0 मिल गया। जी हाँ, 0 मिल गया। तो इस तरह से 3.17 यही आंसर हो गया। ऐसे आप ट्रिक याद रखिएगा कि आपको 317 में 100 से भाग देना है तो आपको इतना भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 100 से देना है तब, अभी न कि 111 से देना है तब से हम न कह रहे हैं, 100 से देना है तो दहिना तरफ से 2 अंक गिन के दशमलव बैठा दीजिए, यानी कि 3.17 यही इसका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको 4147 में आपको 100 से भाग देना है तो 2 अंक गिनिए और दशमलव बैठा दीजिए, 41.47 यही आंसर हो गया। तो 100 से भाग देना है तो दहिना तरफ से 2 अंक गिनिए और दशमलव मार दीजिए। चलिए अगला, चौथा सवाल है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 43,751 इसमें 10,000 से भाग देना है। अब 10,000 से भाग देना है तो एक पर कितना जीरो है गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 तो दाहिना तरफ से 4 अंक गिनिए, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद दशमलव बैठा दीजिए तो 4.3751। अगर कोई 10,000 से इसमें भाग भी देगा तो भी आंसर आएगा 4.3751। तो जीरो वाला भाग बहुत आसान होता है। अगर 10 से भाग देना है, अगर 100 से भाग देना है, अगर 1,000 से भाग देना है, अगर 10,000 से भाग देना है, 1,00,000 से भाग देना है, 10,00,000 से भाग देना है तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दूसरा संख्या है, बटा में 17 है, बटा में 19 है, बटा में 21 है, तब तो आपको भाग देकर ही दशमलव लगाना होगा। लेकिन 10 वाला, 100 वाला, 1,000 वाला, ये सब आसान होता है। चलिए अब 57/20 में दशमलव लगाना है। 57/20 में क्या करना है स्टूडेंट्स, दशमलव लगाना है। तब ये तो 20 है, 10 रहता तो ट्रिक काम करता कि एक अंक गिन के दशमलव मार देते, लेकिन 20 है, ये गलती न कीजिएगा न तो कामे गड़बड़ा लीजिएगा। 20 है तो भाग देना पड़ेगा, 10 रहता तो भाग नहीं देना पड़ता, 20 है तो भाग देना पड़ेगा, 25 है तो भाग देना पड़ेगा, 31 है तो भाग देना पड़ेगा। तो 20 से आप 57 में भाग दीजिएगा तो 20 × 40 लग जाएगा, 57 में 40 घटेगा तो 17 आ जाएगा। अब 20 से 17 में नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देकर यहाँ 0 लाए। अब 20 × 8 = 160 और 170 में 160 घटेगा तो 10 और दशमलव पड़ चुका है तो वो 0 आ जाएगा। अब 20 × 5 = 100 कट गया, अब 100 में 100 घट गया तो 0 हो गया। तो जब 20 से 57 में भाग देंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2.85। इस तरह से हम दशमलव लगा सकते हैं। आज का टॉपिक था दशमलव कैसे लगाएं, तो बस कुछ नहीं है, हर से अंश में भाग दीजिए दशमलव लग जाएगा। उसमें भी 10 से आ 100 से आ लाख से भाग देना है तो भागो नहीं देना पड़ेगा, और ऐसे ही ट्रिक जो बताए उसी से आपका काम हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, 6 नंबर, 3 में भाग देना 1, 2, 3, 4, 5 100,000 से। अब 100,000 से 3 में भाग देने के लिए बच्चा को कहिएगा तो बच्चा का हाथ कांपने लगता है, लेकिन ये ट्रिक सीख लीजिएगा तो हाथ कांपने वाला बात नहीं है, एकदम आंसर लिख दीजिएगा अब बिना भाग दिए हुए। तो आपको क्या करना है, एक पर पहले 0 गिन लेना है। पहला काम 0 गिन लीजिए कि एक पर कैगो 0 है।
तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच गो जीरो है तो पाँच अंक गिन के आ दशमलव मार दीजिए। कहिएगा सर अंक तो एक के गो है तो पाँच गो अंक कैसे गिने, तो चार गो जीरो लगा लीजिए, एक गो अंक पहले से दिल है तो पाँच गो ना हो गया आ तब दशमलव मार दीजिए। तो देख लीजिए एक दो तीन चार गो जीरो लगा दीजिए आ एक गो अंक तो पहले से तीन है ये है बस दशमलव बैठा दीजिए। तो जीरो पॉइंट जीरो 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 तीन, अगर एक लाख से तीन में कोई भाग देगा लंबा चौड़ा भाग देगा फिर भी आंसर आएगा, इतना ही आंसर आएगा। और हम लोग ट्रिक सीखे हुए हैं कि अगर एक लाख से भाग देना है तो दहिना तरफ से पांच गो अंक गिन के आ दशमलव लगा देंगे, दहिना तरफ से पांच गो अंक गिन के आ दशमलव लगा देंगे। लेकिन अगर पांच गो अंक नहीं है तो जीरो दे के पुरा लेंगे, एगो तीन था ही चार गो जीरो दे दिए तो चार गो अंक हो गया जीरो आ एगो ये पाँच गो अंक हो गया आ तब दशमलव लगा दी, हो गया आंसर। अब 2157 है, 2157 इसमें 100 से भाग देना है, 100 से भाग देना है तो दो अंक गिनिए, दाहिना तरफ से दो गो अंक गिनिए और उसके बाद से दशमलव बैठा दीजिए, इस जगह बैठा दीजिए तो 21.57 आ गया। 100 वाला भाग बहुत आसान होता है, 2157 1000 से भाग देना है तो 1000 से भाग देना है तो जीरो गिन लीजिए, एक दो तीन, तीन गो जीरो है, एक पर तीन गो जीरो है तो दाहिना तरफ से तीन गो अंक गिनिए, एक दो तीन, 2.157 यही हो गया आंसर। इस तरह से आपको आज मैंने इस वीडियो में बताया कि हम दशमलव कैसे लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और घंटा भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टाइम पर। तो हम मैथ का उपयोगी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए और एक से एक वीडियो आप तक पहुंचा देंगे, इट्स माय प्रॉमिस। तो कहीं नहीं जाइए, बने रहिए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं कोई नया सा वीडियो लेकर।